हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं, करियर टॉक्स। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम आपके लिए जो नए करियर ट्रेंड्स हैं उनके बारे में खुलकर बातें करेंगे। और हमारा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आपके सवालों का प्रैक्टिकल जवाब देना चाहते हैं। जो फैक्चुअल जवाब है, जो फैक्ट्स है, वो आपके लिए इंटरनेट पे हर जगह उपलब्ध है, लेकिन प्रैक्टिकल जवाब मिलना, मतलब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए जनरली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो हम आइए मिलकर शुरू करते हैं इस नई सीरीज के साथ। तो आज हमारा जो करियर टॉक्स में पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम MBA के बारे में बात करेंगे कि MBA आपके करियर के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग पहले इस रिक्वेस्ट को दो पार्ट्स में बांटेंगे। पहला जो रिक्वेस्ट आता है हमारे लिए, वो है उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन अभी कर रहे होते हैं। तो अगर आप मान लीजिए एक नॉन प्रोफेशनल कोर्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे BA हो गया, BCOM हो गया या और अन्य किसी कोर्स में, तब मेरा समझना यह है कि आपके लिए MBA काफी हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए क्योंकि MBA आपको इंडस्ट्री में एक एंट्री दे सकता है, राइट। और मान लीजिए अगर आप किसी नॉन प्रोफेशनल कोर्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अगर आपको उस पर्टिकुलर कोर्स में आगे स्पेशलाइजेशन नहीं करना है, तो MBA आपके लिए करियर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको दे सकता है, राइट। सेकंड उनके लिए है जो मान लीजिए किसी प्रोफेशनल कोर्स से पास आउट करके इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो नई नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए MBA एक ऐसे स्किल्स प्रोवाइड कर सकता है ताकि वो आगे जाके उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके, राइट। तो दूसरा सबसे कॉमन जो सवाल हमारे पास आता है कि हम MBA के लिए कौन से कॉलेज को टारगेट करें। तो इसके लिए मेरा पहला सजेशन ये रहता है कि आप कॉलेज के बारे में ना सोचकर इस MBA के फील्ड का जो कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है उसके बारे में समझने की कोशिश करें। जैसे कि मान लीजिए 2022 में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने कैट के लिए रजिस्टर किया है वो है अब तकरीबन 2.5 लाख के आसपास, राइट। और अगर आप बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं अगर उनके भी कैंडिडेट्स को अगर मिला लें तो कुल मिलाकर आपको 3 से 4 लाख कैंडिडेट्स हैं जो MBA के लिए टारगेट कर रहे हैं या जिनको MBA करना है। तो अगर आप बाकी उसके बाद अगर आप कॉलेजेस में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है अगर आप उनको एनालाइज करें तो इंडिया की जो टॉप 50 कॉलेजेस हैं उनमें कुल मिलाकर अराउंड 10 से 12 हजार सीटें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सीट के लिए मोटा मोटी 30 से 40 बच्चे टारगेट कर रहे हैं उस कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो आपको फिर अपना जो प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है वो कॉलेजेस को ना टारगेट करके एग्जाम्स को टारगेट करना वो सही रहे। और तीसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है वो जो हमारे पास आता है कि अगर मेरा किसी टॉप रैंक कॉलेज में नहीं हुआ तो क्या करें। तो मैंने कई सारे बच्चों को इस रीजन से करियर में अटकते हुए देखा। तो मैं आपको एक ही चीज समझाता हूँ कि अगर आप मान लीजिए करियर में आपके ग्रोथ के लिए अगर MBA इम्पॉर्टेंट है और अगर आपका किसी टॉप रैंक कॉलेज जैसे IIMs, MDI, FMS या IIFT इन कॉलेजेस में नहीं हुआ, तो MBA ना करना ये आपके लिए शायद आपके करियर के लिए हार्मफुल हो सकता है, राइट। तो मेरा अब आगे अगर मैं आपको ये समझाऊं, तो मान लीजिए आप किसी मल्टीनेशनल या किसी बहुत ही फेमस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं और आपको पता है कि वो कंपनी IIMs या FMS या MDI से छोड़कर और कहीं से हायर ही नहीं करती, तो आप फिर उस कंपनी में कैसे जाओगे। तो उसका तरीका ये है कि आप मान लीजिए कोई भी ठीक ठाक सा कॉलेज में अगर आपने एडमिशन ले लिया, आपने MBA कर लिया और आप अपने मेहनत के बल पर अपनी ग्रूमिंग को आपने अपने आप को ग्रूम करके और आपने एक किसी भी ढंग की कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो गया, तो आप अपने मेहनत के बल पर आप अपनी टारगेट कंपनी में लैटरल एंट्री के थ्रू भी आप जॉब पा सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको किसी टॉप रैंक कॉलेज में नहीं एडमिशन मिला तो MBA करना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ कि मैंने आपके जरूरी सवालों का
प्रैक्टिकल जवाब दिया होगा, फिर भी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ कंफ्यूजन है जिसका आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो आप हमारे जो ऑफिशियल नंबर्स दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और इस वीडियो के बॉटम में भी डिस्प्ले कर रहे हैं, तो आप हमें रीच आउट करो, हम आपके क्वेश्चंस का प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करें। धन्यवाद।